आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। 30 किलो डायनामाइट से हटाया गया नीरव मोदी का 100 करोड़ रुपए का अवैध बंगला। मुंबई पीएनबी घोटाले के आरोपी और फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी का अलीबाग स्थित बंगला शुक्रवार को ढहा दिया गया। इसमें 30 किलो डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। समुद्र तट के पास बने इस बंगले की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए थी। इसे तोड़ने का काम 25 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन काफी मजबूत होने की वजह से इसे डायनामाइट से ढहाने का फैसला किया गया। प्रशासन के मुताबिक यह बंगला अवैध तरीके और तटीय मानदंडों का उल्लंघन करके बनाया गया था। नीरव को 2011 में 376 वर्ग मीटर में बंगला बनाने की इजाजत मिली थी, लेकिन उसने नियम तोड़ते हुए 1081 मीटर में निर्माण कराया। कई बेडरूम और हॉल वाले इस बंगले में फर्स्ट फ्लोर पर 1000 वर्ग फीट का स्विमिंग पूल भी है। नीरव ने इस बंगले के बाहर अवैध तरीके से एक गार्डन भी बनवाया गया था। गुरुवार को बंगले के पिलरों में छेद कर डायनामाइट लगाने का काम पूरा कर लिया गया। इन्हें एक रिमोट के सहारे जोड़ा गया और बटन दबाते ही बंगला जमीन पर आ गया। नीरव पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 13 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। दोनों आरोपी देश छोड़कर भाग गए हैं। इस मामले में जांच का जिम्मा सीबीआई और आईडी को सौंपा गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।